जुमलेबाजी में मशाक, बर्चिस्तगी में ताक, गोया तंज़ो मिज़ाकी और ताक, ये सब सिफात हैं ताबिश हाशमी की, जिन्होंने आर्ट्स काउंसिल कराची में स्टैंड अप कॉमेडी का रंग जमाया। शादी में दुल्हे की टेंशन और फजाई सफर के मसाइल समेत रोज़मर्रा के वाकयात को अपने मुनफरद अंदाज में यूं पेश किया कि कहीं मुस्कुराहटों की लतीफ़ हवाएँ चलें तो कहीं कहकहों का तूफान बर्पा हो गया। इस रंगारंग महफिल का अहवाल बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ वलीद अहमद। Please welcome on stage very funny Tabish Ahmed Hashmi. तय कहे बिखेरने के बादशाह, स्टैंड अप कॉमेडी का बड़ा नाम ताबिश हाशमी ने माइक थामा तो तालियां और सीटियां आर्ट्स काउंसिल कराची के बाहर तक सुनाई दी। मुमताज कॉमेडी आर्टिस्ट ने पीआईए का ऐसा नक्शा खींचा कि हाजरीन पेट पकड़ कर हंसते रहे। मैं क्या, मैंने कहा जी क्या पासपोर्ट नंबर, मैंने कहा देख ले, और मैंने कहा AR684, तो उसने लिखा भी ऐसे AR64। पाकिस्तानी शादियों, एम्बेसीज और तालीमी इदारों पर ऐसे मजेदार चुटकुले पेश किए कि सामईन ने खड़े होकर दाद दी। Thank you, ladies and gentlemen. You've been a great audience. I think it has a bright future, और इंशाल्लाह करते रहेंगे तो और होगा। स्टैंड अप कॉमेडियन उसामा गौरी, अली असगर कपासी और अजमल जुबैर ने भी मजाहिया तज्जिये में रोजमर्रा के वाकयात मजेदार अंदाज में पेश किए। अदाकार फैसल कुरैशी, साबिक टेस्ट क्रिकेटर मोइन खान, बैटर आजम खान के अलावा समाजी शख्सियात, शोबिस से जुड़े सितारों ने शिरकत करके अपना वीकेंड यादगार बनाया। शो यहाँ पे होने चाहिए, ये हमें साल साल में जाके एक आध शो मिलता है, तो आवाम जो है डेस्परेट है ऐसे शोज के, आई थिंक, और यहाँ पे वैसी एंटरटेनमेंट की कमी है काफी। कंटेंट भी इनका काफ़ी अच्छा था, तो मैंने बहुत इन्जॉय किया इस चीज़ को। हियर एज ऑलवेज इट वॉज अ लॉट ऑफ फन और बहुत मजा आया, इट वॉज अ हाउसफुल, सो आई होप ही कंटिन्यूज टू डू दिस। कराची हाइट्स ने कहा कि इन हालात में ऐसे शोज शहर के तनाव ज्यादा माहौल से तवज्जो हटाने और खुश होने का बेहतरीन मौका फराहम करते हैं। कैमरामैन जुबैरुद्दीन के साथ वलीद अहमद, जियो न्यूज़ कराची।